इसका डायनेमिक एनालिसिस करना है जी प्लस टेन के लिए। क्या करना है? डायनेमिक एनालिसिस करना है जी प्लस टेन के लिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमें लेक्चर नंबर 33 वॉच करना है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, बढ़ा बढ़ा के देख लेना, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैंने, कि मतलब कुछ फेल हो रहे थे मेंबर, पास करना बताया है। तो मेहनत कहाँ करना है? मेहनत करना है लेक्चर नंबर 34 पे। तो लेक्चर नंबर 34 में मैंने पुश और एनालिसिस पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? पुश और एनालिसिस पढ़ाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो पीपीटी होगी वो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा सर्च करके, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 34 पढ़ना है, पुश और एनालिसिस करना है। और जो विकास का प्रोजेक्ट है, इसको सिर्फ ग्रिड बना हुआ है, अब आपको फटाफट बनाना है, बना के जी प्लस टेन में डायनेमिक एनालिसिस कर लेना है। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। अच्छा, फिर से बता दूं, होमवर्क ये है कि जो सुदीप का प्रोजेक्ट है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसी प्रोजेक्ट को ईटेप्स पे करना है। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है आज स्टेट पे किया आपने, इसको ईटेप पर करना है, पहला चीज ये। दूसरा चीज, लेक्चर नंबर 33 को थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देख लेना, प्रॉब्लम बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ फेल हो रहे थे मेंबर्स, उनको पास करना पढ़ाया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 34 जो मेन है, उसमें बताया गया है पुश और एनालिसिस के बारे में, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है पुश और एनालिसिस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। लेक्चर 34 एक्चुअली में पढ़ना है, और जो सुदीप का प्रोजेक्ट है ये करना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं भी ऐसे प्रोजेक्ट देने वाला था, बट इनका प्रोजेक्ट क्या है कि स्टेट पर हुआ है, कंपेरिजन भी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, सो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अपने को प्रोजेक्ट से मतलब है, किसका भी प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी आर गोइंग टू लर्न, दैट्स इट। और इसका डायनेमिक एनालिसिस करोगे तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि फेल बहुत होंगे, और यही मजा है, फेल को पास करने का ही एक्चुअली मजा है स्ट्रक्चर्स में। तो आओ देखते हैं ईटीएफ्स में क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक एनालिसिस जो बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, एक मिनट जस्ट रुकना, मेरे क्या बोलते हैं, किचन का जो नल है वो ऑन है, उसका टाइम हो गया, पानी साथ गिर रहा है, 1 मिनट आता हूँ। पानी गिरता है तो बहुत बुरा लगता है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने, याद होगा आप सबको, जब मैं ऑटोकैड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आरसीसी की चेकलिस्ट क्या होती है, सबके पास होगा भी वो। फिर मैंने पढ़ाया था कि सेक्शन एलिवेशन का चेकलिस्ट क्या होता है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। प्लानिंग का चेकलिस्ट मैंने पढ़ाया था कि फ्लोर प्लान में क्या क्या देखना चाहिए, वैसा ही चेकलिस्ट एक है जिसको स्टेप भी बना सकते हो, प्लस ये भी देख सकते हो कि ये किया कि नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये सबके लिए है, मतलब इंडियन कोड, अमेरिकन कोड, सबकी कोड के लिए है, सेम है। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ लाइव। वेरी गुड, करो, करके शेयर करो। बहादुरी कब है? जब उसको शेयर करो, दिखाओगे क्या मैंने किया हुआ है। ठीक है, अभी जो किया है वो उसको भेज दो, मैं अभी देख लेता हूँ। चलो ध्यान से देखेंगे क्या करना होता है। सबसे पहले ई टैप्स में आज, एक तरीके से आप समझो तो कह सकते हो कि ई टैप पूरा खत्म कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। पहला काम, स्टडी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। पहले क्या करना है? आर्किटेक्चर ड्राइंग्स को पढ़ना है। ओके जी, पढ़ लिया मान लो, क्या क्या कैसे कैसे। दूसरा काम, डिफाइन द यूनिट वेलकम स्क्रीन सेट द डिजाइन कोड। आपको ईटैप खोलते हो ना, तो वहां क्या करते हो, पूरा का पूरा अपना क्या बोलते हैं, कोड सेट करते हो, यूनिट सेट करते हो, सब कुछ करते हो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना होता है, सेटिंग द ग्रिड डायमेंशन। देख रहे हो कितना स्टेप वाइज दिया है, सेटिंग द ग्रिड डायमेंशन। ग्रिड का डायमेंशन सेट करते हो कि ग्रिड में आप लोग ने देखा ही होगा कि एक 5 फीट पे है, या फिर 5 मीटर पे है, एक 3 मीटर पे है, एक 2 मीटर पे है, समथिंग लाइक दिस करते हो। उसके बाद क्या करना चाहिए, सेटिंग द स्टोरी डाटा, कितने फ्लोर का करना है, ये भी आप लोग पढ़ा पता ही है, करना पड़ता है। उसके बाद सेट द करेक्ट यूनिट लेंथ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मतलब कि आपको सारा कुछ है उसका, उसके लिए मतलब वो मीटर में है कि, क्योंकि फॉरेन का प्रोजेक्ट होगा तो किलोमीटर, इसमें भी पाउंड्स में भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में है तो उसका प्रॉपर यूनिट सेट कर दो। और उसके बाद सेव द फाइल, पहला काम हो गया। मतलब ईटेप्स के अंदर आपका मॉडल आ चुका, तो इंटरिंग द बेसिक इनपुट डाटा कंप्लीट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा डाउट, डिफाइन न्यू मटेरियल। सबसे पहले क्या करते हो,
न्यू मटेरियल डिफाइन करते हो, उसके लिए क्या करते हो, डिफाइन द आरसीसी मटेरियल, क्या करते हो, आरसीसी मतलब बीम कॉलम के साइज वगैरह डिफाइन करते हो। फिर डिफाइन द स्टील मटेरियल, अगर उसमें स्टील यूज कर रहे हो तो I-500 यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। रीवार यूज कर रहे हो तो डिफाइन द रीवार्स, ये सब पता है आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। और अगर आप पीटी स्लैब वगैरह कर रहे हो तो फिर क्या करते हो, टेंडन्स मटेरियल्स को भी डिफाइन करते हो, ठीक है। आप अभी जो कर रहे हो ये वाला आप कर रहे हो, ठीक है। अगर इसे अमेरिकन कोड है तो उसे आप पीटी स्लैब वगैरह भी डिजाइन करते हो। फिर डिफॉल्ट मटेरियल्स चेक मटेरियल प्रॉपर्टी डिजाइन डाटा, ठीक है। जो भी मटेरियल है उसके डिजाइन डाटा को चेक कर लेना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड है M30 M25 वही है कि कुछ और मटेरियल उन्हें डिफाइन हो रखा है, ठीक है। तो आपने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेप नंबर 3 होता है डिफाइन मटेरियल और एनफोर्समेंट बार साइज, क्या डिफाइन करते हो, रेनफोर्समेंट बार साइज। तो जिसमें क्या करते हो, द रिफाइन द रेनफोर्समेंट बार सेट एज द योर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट बार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिफाइन कर देते हो कि मुझे इतने एमएम का चाहिए, इतने एमएम का चाहिए, इतने एमएम का चाहिए, एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को आता ही है, जो नहीं आता रहेगा मुझे बोल देना कि सर ये वाला मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिफाइन फ्रेम, पहला मटेरियल, सॉरी पहला एंटर किया, दूसरा मटेरियल, तीसरा बार, चौथा फ्रेम सेक्शन। तो फ्रेम सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, फ्रेम सेक्शन में आपको पहले तो बीम का साइज डिफाइन करना पड़ता है, फिर कॉलम का साइज डिफाइन करना पड़ता है, फिर अगर वॉल लगाया है, सियर वॉल लगाया है तो वॉल का थिकनेस देखना पड़ता है, अगर स्लैब लगाया है तो स्लैब का थिकनेस देखना पड़ता है, टेंडन्स यूज किया है जैसे कि फ्लैट स्लैब वगैरह के लिए अगर टेंडन्स यूज किया है तो टेंडन्स को डिफाइन करना पड़ता है, और अगर डेक स्लैब है तो डेक स्लैब को डिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसका ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। आपने बोला सर समझ आ गया, वेरी गुड। फिर डिफाइन डायफ्रेम, अगर आप स्ट्रक्चर्स को चाहते हो कि एकदम सीजी उसकी अच्छी रहे तो सेस्मिक में भी कर सकते हो, और विंड में तो करना ही करना पड़ता है डायफ्रेम्स। उसके बाद पायर लेवल्स, जैसे कि वॉल लगाते हो ना तो पायर 1 पायर 2 पढ़ा होगा क्लासेस में, ठीक है। स्पैंडर लेवल्स उसमें डिफाइन करते हो कि ये 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है, वो सब कुछ डिफाइन करते हो। तो ये पहला ये डिफाइन करो, दूसरा ये डिफाइन करो, तीसरा स्पैंडर लेवल्स डिफाइन कर दो कि कौन कौन से हमारे लेवल्स हैं। हो गया 5वां स्टेप डन। छठवां स्टेप क्या होता है, स्नैप ऑप्शंस, ठीक है। गो टू ड्रॉ, ड्रॉ में जाओ, स्नैप ऑप्शन एंड चेक द करेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शंस आर टिक, ठीक है। कैसे होता है, कभी कभी कोई कोई ऑप्शन बंद रहता है, मान लीजिए कि आपको मटेरियल का थिकनेस देखना है तो आप थिकनेस देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ में चले जाना है और स्नैप ऑप्शन यहाँ से देख लेना है। ये देखिए ड्रॉ है, यहाँ पर है स्नैप ऑप्शन, सब कुछ ऑन है कि नहीं, कभी कभी ज्वाइंट्स नहीं शो करता है स्ट्रक्चर्स का, कभी लाइन इंटरसेक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। आपका जो क्या बोलते हैं एज है वो नहीं शो करता है, कभी क्या चाहिए आपको यहाँ पर सब ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी कुछ नहीं शो कर रहा है तो एक आप यहाँ पर आइए, स्नैप सेटिंग्स को अपने ऑन करके देख लीजिए, ठीक है। आपने बोला सर मिल गया ये भी, तो 6 स्टेप कंप्लीट। अब थोड़े भारी स्टेप स्टार्ट होंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, टेक केयर ऑफ वन स्टोरी एंड ऑल स्टोरी ऑप्शंस। आप सबको पता है वन स्टोरी और ऑल ऑल स्टोरी का मतलब क्या होता है। ड्रॉ द कॉलम बीम स्लैब एंड वॉल्स, अभी सब डिफाइन कर लिया ना आपने, ग्रिड बन चुकी है, डिफाइन कर लिया है, अब क्या करना है, ड्रॉ करना है बीम कॉलम स्लैब वॉल्स जो भी चीजें हैं, ठीक है। ड्रॉ द कैंटिलीवर स्लैब, प्रोजेक्शन, वाटर टैंक, प्लांटर, रैंप, स्टेयरकेस, जो भी है सब ड्रॉ करो। असाइन फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, एड जो भी आपका सपोर्ट है वो लगा दो। ड्रॉ द रिटेनिंग वॉल्स अगर उसके अंदर है तो ड्रॉ द रिलीज बीम्स, रिलीज कर दो जो भी रिलीज करना है। असाइन डायफ्रेम्स, पायर लेबल्स, स्पेंडर लेबल्स जो भी आपको चाहिए, ठीक है। चेक द मॉडल्स फॉर एनी एरर्स, अ मॉडलिंग एरर इफ एनी रिक्वायर्ड, ठीक है। आप चेक करते हो ना उसको एनालिसिस करके कि कोई मॉडल में एरर आ रहा है या वार्निंग आ रही है तो उसको सॉल्व कर दो, फिक्स कर दो उसको, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आपने बोला सर ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। स्टेप नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 8 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 8 पर क्या करते हैं, डिफाइन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एंड टाइम हिस्ट्री फंक्शन। ये सब में नहीं होगा, ठीक है, यहां तक तो सब में होगा, ये केवल केवल जिसमें डायनेमिक एनालिसिस होगी उसके लिए है, ठीक है। तो जिसमें ये स्टेप नहीं होगा उसको मिस कर देना है, ठीक है। तो डिफाइन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम या फिर टाइम हिस्ट्री, तो आपने इसके बारे में पढ़ ही लिया है वैसे, तो आगे पढ़ोगे टाइम हिस्ट्री के बारे में भी, तो ये डिफाइन करना है। उसके बाद नेम इट प्रॉपरली
फॉर द फर्स्ट सनेक्शन, मतलब कि उसके बाद उसको प्रॉपर नेम वगैरह करके उसको लगा दो, ठीक है। ये आज आपने कल ही सीखा है। आपने बोला सर स्टेप 8 भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखो एकदम पवन स्टेप से है, समझ में आ गया होगा जो तुम्हारा डाउट था। डिफाइन द लोड पैटर्न्स, ठीक है। अब क्या करना है भाई, लग चुका है सब कुछ, रिलीज विलीज कर दिए हो, अब लोड का टाइम आ गया ना, तो लोड में क्या करना चाहिए, एक लगाना चाहिए डिफाइन लोड्स, डिफाइन डेड लोड लगा दिया हमने पहले, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अच्छा होता है कि एक सुपर डेड लोड डिफाइन कर लो, आप देखोगे ना उसी के अंदर सुपर डेड लोड का ऑप्शन है। तो जैसे ब्रिक वगैरह का जो लोड है, अगर आप चाहते हो तो आप सुपर डेड लोड में भी उसको ऐड कर सकते हो, या फिर डेड लोड में भी ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन जो लोड का होता है सबको मिला के किया जाता है, तो डेड लोड लाइट लोड सब बाद में मिल ही जाता है, बट आप चाहो तो सुपर डेड लोड डिफाइन कर लो और अच्छा रहता है, फिर लाइव लोड और अच्छा, मतलब कंफ्यूजन कम होता है। इसके बाद सेस्मिक, अब आप बताओगे सर सेस्मिक, यस मैंने क्या बोलते हैं, आप सबको पहले से बता रखा है कि सेस्मिक कैसे डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस ऑन करते हैं, फिर माइनस एक्स सेंट्रिक का और प्लस एक्स, ये तीनों आपने कर ही रखा होगा। वाई में करते हो जब सेस्मिक डिफाइन कर, जहां नहीं समझ आएगा बता देना, वैसे मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं इसी स्टेप से पढ़ाता ही हूँ। तो ये देखो आपके वाई में गए प्लस माइनस और ये वाई हो गया, तो आपने कर दिया ये भी। और जब स्ट्रक्चर आपका G+8 G+10 है तो वहां पर विंड लोड भी, तो विंड एक्स विंड वाई माइनस एक्स माइनस वाई। आप बोले सर ये भी समझ आ गया, ठीक है। इसमें मतलब ई टेप्स में एक ही बार में एक्स माइनस एक्स हो जाता है, वाई माइनस एक्स हो जाता है, तो मतलब डिफाइन करना है। अब अगर कोई उसमें थर्मल लोड इफ द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज ग्रेटर देन 45 मीटर, मतलब कि 15 मीटर से ज्यादा, 15 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग है, तो वहां पर कोई अगर थर्मल लोड आ रहा है तो उसको यहां पर डिफाइन कर दो। अब डिफाइन फायर टेंडर लोड, अगर फायर फाइटिंग के लिए भी उसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ये सब हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए है, तो अगर वहां पर फायर फाइटिंग भी इंडिया में बहुत कम इसको डिफाइन करते हैं, तो अगर डिफाइन कर रहे हो तो फायर टेंडर लोड भी डिफाइन कर दो। उसके सब डिफाइन में ही सब ऑप्शन है, ये सारे डिफाइन के ऑप्शन है। अगर वहां पर स्नोफॉल भी होता है तो, जो नहीं होता है उसको स्किप कर देना है, तो यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है तो स्नोफॉल भी लगा देना है। कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीपैड बनता है, आपने देखा होगा, तो हेलीपैड के लिए डिफाइन फाटो लोडिंग्स, फाटो लोडिंग उसके अंदर दे रखा है, उसको बोलते हैं रूफ टॉप हेलीपैड लोडिंग्स, ठीक है। तो ये भी आपको जनरल स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा, तो ये भी डिफाइन कर दो अगर है तो। उसके बाद डिफाइन द मास सोर्स एंड नेम प्रॉपर्टी फॉर द रिएक्शंस, ये तो आप करते ही करते हो। तो आपने बोला सर लोड एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, ये तो डिफाइन हुआ है सब कुछ। डिफाइन बॉक्स में अगर जाओगे तो इसमें से कोई भी स्टेप ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं रहेगा। तो आपने बोला ओके। नेक्स्ट है असाइन द लोड्स, डिफाइन कर लिया तो असाइन भी तो करोगे, तो असाइन में क्या करते हो, असाइन द डेड लोड। अब डेड लोड के अंदर आप तीन तरह के लोड्स जनरली आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे आपका क्या बोलते हैं साक्षात्कार होगा। पहला है ज्वाइंट लोड, दूसरा है फ्रेम लोड, तीसरा है सेल लोड, ठीक है। आप लोगों ने फ्रेम लोड भी लगाया होगा, सेल लोड भी लगाया होगा, ज्वाइंट लोड भी आगे इन फ्यूचर जैसे टावर लगा रहे हो कोई बिल्डिंग के ऊपर तो ज्वाइंट पर आएगा ना वो, ऐसे लोड्स को लगाना है। फिर सुपर डेड लोड में भी कभी कभी आपको सेम ही लगभग लगभग लोड लगाने को मिल जाते हैं। लाइव लोड भी आप लोगों ने ऑलरेडी लगाया होगा, बट लाइव लोड में जनरली सेल लोड ही लगता है, ठीक है। फिर विंड लोड अगर आया हुआ है तो विंड लोड लगा दो, विंड वाई डायरेक्शन लगा दो। फिर थर्मल लोड भी अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो भी लगा दो, जो डिफाइन किया है वही लगाना है, जो नहीं कर दिया है छोड़ दो। फायर टेंडर अगर लगा रहे हो तो लगा दो, स्नो लगा रहे हो लगा दो, हेलीकॉप्टर लोडिंग लगा रहे हो लगा दो, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको खुद से सोचना है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू कि हेलीकॉप्टर का क्या वेट रहेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाएंगे तो मैक्सिमम कितने के लिए बनाना है वो डिपेंड करता है। सेट द लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर्स, मतलब मास सोर्स को करते हो ना सेट करते हो कि कितना रिडक्शन हो जाए, 50% की 25%, ठीक है। अब डिफाइन द लोड केसेस, क्या करना है, लोड केस डिफाइन करना है। आपने ये सब तो कर लिया, मतलब लोड्स लगा दिए, लोड केसेस में क्या क्या करना पड़ता है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी इन्होंने फैक्टर पूछा था ना, तो वो फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो फैक्टर ये है, ठीक है। चेक ऑल द लोड पैटर्न्स इंट्रोड्यूस इन द लोड केसेस ई टैप्स, ठीक है। क्या करना है, चेक ऑल द लोड पैटर्न्स इंट्रोड्यूस इन द लोड केसेस। लोड केसेस में जाते हो ना, आप देखा होगा लोड केसेस में डायनेमिक एनालिसिस में आप लोगों ने, तो वहां पर आपको चेक करना चाहिए कि साहब जो आपने लगाया है परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर
क्या बोलते हैं, डिफाइन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लगाते हो एक्स एक्सिस के लिए। तो अभी स्केल पूछ रहा था ना सुदीप, तो स्केल सुदीप यहाँ से आता है एक्चुअली में। तो इंडियन के लिए होता है IG/2R, ठीक है, IG/2R। तो आई क्या होता है आपको पता ही है, और जी आपको क्या होता है पता है, आर आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पता ही है फॉर इंडियन, और IG/R फॉर अमेरिकन कोड। इंडियन कोड के लिए IG/2R होता है जो स्केल फैक्टर तुम पूछ रहे थे सुदीप, और अमेरिकन कोड के लिए IG/R होता है। ओके, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस वाई डायरेक्शन, इसके लिए IG/2R फॉर इंडियन एंड IG/R फॉर ओके। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जब मॉडल केसेस में गए होंगे तो वहां पर आइजन और रिज दो ऑप्शन रहे होंगे एज पर डिजाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है। पूरा रिजिड स्ट्रक्चर है तो रिजिड लेते हैं, नहीं तो आइजन स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट लेते हैं। तो ये CSI रिकमेंडेड रिज एनालिसिस प्रीफर करते हैं, ठीक है। रिज मतलब रिजिड स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलता है रिज लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये भी आपने कर रखा होगा। आगे आप पढ़ोगे पी डेल्टा, तो डिफाइन पी डेल्टा ऑप्शंस या पुश ओवर एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड। लेक्चर नंबर 34 में आप पुश ओवर पढ़ोगे और आगे पी डेल्टा भी पढ़ोगे। तो आपने बोला सर ये तो एकदम मजा आ गया, लोड केसेस भी क्लियर हो गया हमारा। यस, अब लोड कॉम्बिनेशन पे चले जाओ दोस्त। तो लोड कॉम्बिनेशन पे जाओगे तो ये लोड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। फिर डिफाइन द एनालिसिस ऑप्शन, अब एनालिसिस में भी काफी गेम होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, असाइनिंग असाइन मेसिंग टू द फ्रेम एंड सेल रिक्वायरमेंट टू द मॉडल साइज, जो भी ये मेसिंग वगैरह कर रखे हो उसको असाइन कर दो। चेक मॉडल एंड चेक द मॉडल अगेन, चेक करो सब कुछ। वहां पे देखा होगा एक गो टू एडिट एंड ऑटो रिवेल ऑल, रिवेल मतलब पूरा का पूरा देख सकते हो क्या क्या लोड कैसे कैसे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेक द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, अगर आपको चेक करना है तो भी चेक कर लो। अब सब बोलोगे सर ये सब कहाँ पर है, तो ये देखो ये लिखा हुआ ना एनालिसिस ऑप्शन, तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये लो ये देखो सेट लोड केसेस टू रन, एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो उसमें बता रखा है सब, ऑटोमेटिक फेसिंग्स लाइक वॉल वगैरह पे मेसिंग्स कर सकते हो। तो जो यहाँ पर है सारा कुछ आप एक एक करके चेक कर सकते हो। अभी आपका काम है कि आप घर पे थोड़ा मेहनत कर लो। सेट लोड केसेस टू रन, एडवांस सैपफायर ऑप्शंस मैनेज, अगर इसको फाइल को इंपोर्ट करना है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में तो उसको चेक करना पड़ता है। एनालाइज द मॉडल एंड चेक डायफ्राम सेट, ठीक है। जनरली केवल केवल ये करना पड़ता है, चेक मॉडल अगेन खत्म। तो आपने बोला सर ये भी हो गया। अब लास्ट में जो अब इम्पोर्टेंट आता है, क्या इम्पोर्टेंट आता है, अब आ गया इसके बिहेवियर की बात। अभी तक तो लोड लगाया, ग्रिड लगाया, तरह तरह की चीजें किया, अब स्टेप्स देखने पड़ते हैं डाटा। तो एनालाइज एंड चेक बिहेवियर, चेक करना पड़ेगा ना, तो बिहेवियर की बिल्डिंग कैसा बर्ताव कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो हम जान रहे थे कि आप कैसे हो, आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, कैसे दोस्त हैं आपके, कितना पैसा कमाते हो, तरह तरह की चीजें थी। अब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपका करेक्टर। तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीजें देखना पड़ेगा फोकस के साथ। चेक ऑल द मॉडल डज नॉट रन इन टू द स्टेबिलिटीज वाइल एनालाइजिंग बाई क्लिकिंग द शो डिटेल्स। इफ रिक्वायर्ड अनस्टेबल कंडीशन गो टू स्टेप ओके एक्सीड द डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको जाके देखना पड़ेगा हमारे मॉडल में डिफ्लेक्शन वगैरह कितना आ रहा है, सीयर कितना आ रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ये सब हमें देखना पड़ता है, वो आप लोग देखते ही देखते हो। फिर चेक द एनालिसिस लॉग एंड रिजल्ट वार्निंग्स, आप एनालिसिस देखते हो उसके बाद वार्निंग देखते हो कुछ आ रहा है क्या। फिर ग्लोबल फोर्सेस अप्रोक्सीमेट क्रॉस चेक द रिजल्ट, आप सारे रिजल्ट को देखते हो ना, मैं क्या देखता हूँ कि इसमें क्या बोलते हैं डिग्री पर एक्सियल फोर्स कितना आ रहा है, सीयर कितना आ रहा है, मोमेंट कितना आ रहा है, ये सब देखते हो। चेक द डिफॉर्म शेप, ठीक है, शेप में कहीं पर कल पढ़ाया था ना आप लोगों को इस वाले PPT में कि कैसा शेप रखना चाहिए, तो वो शेप वगैरह प्रॉपर है क्या, कहीं पर क्रैक डेवलप हो रहा है क्या, डिजायर्ड शेप सही है क्या। उसके बाद इफ द फर्स्ट और सेकेंड मोड और टॉर्जन, टॉर्जन देखते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे किया होगा मैंने, स्टेप ऐसे क्लिक किया होगा क्लास में, स्टेप वन पे क्या परफॉर्मेंस है, स्टेप टू पे क्या परफॉर्मेंस है, तो टॉर्जन का क्या परफॉर्मेंस है, एक्सियर का क्या परफॉर्मेंस है, वो सब चेक करते हैं। तो आपने बोला सर ये भी हो गया। चलो अब अगर आपने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम या फिर टाइम हिस्ट्री डिफाइन कर रखा है तो क्या होगा, ये करना पड़ेगा। चेक द फैक्टर बाई रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम RX RSX RSY नीड टू स्केल, अभी भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अनलॉक द मॉडल एंड असाइन द स्केल
टू द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शन। ओके, मॉडल को बार बार लॉक करना पड़ेगा एंड असाइन द स्केल एंड रिस्पॉन्स। स्केल मैंने आपको बताया था ना कि उसमें अगर स्केल उसका ओवर है तो वहां पर जाके चेंज करना पड़ता है, जो कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा। चलो, 15वां स्टेप हो गया। अब 16वां स्टेप आपका होता है एनालाइज द मॉडल अगेन टू चेक द डायनेमिक एनालिसिस करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस विद द डिजाइन कोड। देखना पड़ता है कि भाई सब कुछ प्रॉपर रिजल्ट आएगा क्या। तो यस, चेक द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज करेक्टली स्केल्ड, सब कुछ सही है क्या। मास पार्टिसिपेंट फैक्टर इन द फर्स्ट थ्री मोड्स ऑन ऑल मोड्स, चेक द पार्टिसिपेंट फैक्टर कंप्लीट टू द कोड्स और नॉट। ओके, इसके बाद देखना पड़ता है चेक इन फॉर इंटर स्टोरीज ड्रिफ्ट ओवरऑल डिफ्लेक्शन एंड दैट शैल बी चेक फॉर द सर्विस लोड कॉम्बिनेशन। फिर देखना पड़ता है चेक स्टिफनेस डिफ्लेक्शन एंड अदर इंपॉर्टेंट रिलेवेंट डिजाइन वैल्यूज फॉर टेबल्स, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। स्टिफनेस डिफ्लेक्शन आपने देखा होगा मैंने क्लास के बाद, और जब एनालिसिस हो गया होगा तो मैंने सारा स्टेप आपको बताया होगा कि देखो स्टिफनेस है क्या, इसमें डिफ्लेक्शन क्या है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। इफ नॉट करेक्ट तो स्टेप नंबर 7 पे फिर से जाना पड़ेगा। मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, आप सोचना ही नहीं कुछ, यहाँ पर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से पास करना पड़ेगा। तो आपने बोला सर ये तो एकदम मस्त है। अब इसके बाद डिजाइन द स्ट्रक्चर्स, ठीक है ये सब हो गया, अब डिजाइन करने का टाइम आ गया। तो हो सकता है उसमें क्या करना है, व्यू रिवाइज प्रिफरेंस सबसे पहले ये देखते हो ना, व्यू रिवाइज प्रिफरेंस जिसमें कंक्रीट है कि स्टील है, फिर सियर वॉल डिजाइन देखते हो, चेक द डिजाइन कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड फॉर कंपोनेंट, ठीक है कॉम्बिनेशंस देखते हो, बीम्स एंड कॉलम्स जो भी चीजें सबको देखते हो आप, आपने ऑलरेडी कर रखा है, परफॉर्म देखते हो, परफॉर्म द डिजाइन, चेक वेदर मेंबर इज फेलिंग, और डिजाइन देखते हो ना कि पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। फिर इफ मेंबर इज फेलिंग ट्राई टू चेंजिंग द डिजाइन सेक्शन विथ पास मेंबर साइज अनलॉक द मॉडल, फिर सारा कुछ देखते हो। स्टेप नंबर 13 मतलब फिर से यहाँ जाते हो, फिर से एनालिसिस करते हो, फिर से पास करने की कोशिश करते हो। आपने बोला यस सर करता हूँ ये तुम्हें। इसके बाद है स्टार्ट डिटेलिंग्स मैनुअली प्रिपेयर द स्ट्रक्चर्स ड्रॉइंग्स, जो भी उसमें प्रॉब्लम रहती है उसको मैनुअली ठीक करते हो, उसके बाद डिटेलिंग्स करते हो। स्टार्ट डिटेलिंग्स जो अभी आपको मैंने क्या बोला कि इस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लो, उसके बाद डिटेलिंग करना, तो नेक्स्ट स्टेप आप यही करते हो। चेक द रिएक्शंस एक्सपोर्ट द सीएसआई सेफ रिक्वायर्ड, ठीक है अब इसके बाद जब सेफ पढ़ लोगे तो यही फाइल को क्या कर दोगे, सेफ के अंदर इंपोर्ट कर दोगे। आपने बोला सर यस, तो हो गया डिजाइन हो चुका। अब क्या बचा है, सेव एज द मॉडल फॉर विंड एनालिसिस ओनली फॉर बिल्डिंग ग्रेटर देन 50 meters। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि छोटी बिल्डिंग्स में आपको कभी भी विंड एनालिसिस करने की नीड नहीं है। सो सेव द मॉडल फॉर विंड एनालिसिस ओनली फॉर बिल्डिंग ग्रेटर देन 50 meter, मतलब लगभग 18 18 54, मतलब 17 17 51, 17 फ्लोर या उससे ऊपर की बिल्डिंग्स है तभी जाके आपको विंड लोड लगाना चाहिए, ठीक है जी। वैसे 15 के ऊपर रहता है तो लोग लगा देते हैं इंडिया में जनरली, बट 17 तक चल सकता है। सेव द मॉडल एज द मॉडल फॉर विंड लोड, उसके बाद क्या करते हो, क्रैक सेक्शंस प्रॉपर्टीज शैल बी चेंज एज पर दिस आईएस कोड, या आईएस कोड फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद डैम्पिंग शैल बी चेंज फॉर द मटेरियल 2%, डैम्पिंग बढ़ाना पड़ता है, वाइब्रेशन झेलने की कैपेसिटी। डिजाइन द स्ट्रक्चर्स फॉर विंड लोड ओनली कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द सेस्मिक केसेस, तो उसको फिर चेक करते हैं लोड के डाटा को कि विंड का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेस्मिक क्या क्या आ रहा है। द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन फॉर द मोस्ट सेवर केसेस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है कंप्लीट स्टेप का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेहनत अच्छा रहा, ठीक है। ये पूरा स्टेप आप अगर देख लिए तो आई थिंक आप स्टेप वाइज पूरा काम कर सकते हो। तो हाउ इज दैट, डू द कमेंट्स सो दैट तब आगे चलेंगे। अच्छा था निधि, कैसा लगा? सौरदीप कैसा लगा? मशीउल्लाह कैसा लगा? ठीक है, और क्या बोलते हैं सर, रिपीट वॉक थ्रू, ग्रेट, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करना है, इसको रट लेना है, ठीक है इसको रट लेना है। अब देखो फायदा क्या हो रहा है, हम लोग का ऑटो कैड एकदम कंफर्म हो गया, ठीक है। ऑटो कैड में एक चीज बचा हुआ है, ऑटो रीबार, ठीक है। वो क्रैक मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं लगा हूँ, मैं तुम लोग के क्लास खत्म होते होते मैं करा दूंगा, वो कैसे भी करके कराऊंगा,
पूरा प्रयास यही है, ठीक है। और स्टैट अपना एकदम पर कंफर्म हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, पूरा समरी हो गया करेक्ट, ठीक है। अब बचा क्या है हमारा, बचा हुआ है क्या बोलते हैं, ETFs भी हमारा लगभग लगभग क्लियर पर है। नाउ विल गो फॉर सेफ एंड देन रैबिट आर्टिस्ट रेबिट स्ट्रक्चर्स। हाँ आशीष बोलो। हाँ पूछो क्वेश्चन, मैं पूछो। गया सर, मैं हाँ बोलो वहां ना। गया था सर, वो वही इंटरव्यू में सर। हाँ अभी तक तो कॉल तो नहीं आया वापस, एक बार कॉल आया था, बस रिज्यूमे मांगा उन्होंने। और सर उन्होंने वो बोला था कि ये यहाँ पे जनरली काम होता है स्लोप्ड स्लैब का काम होता है, और वो स्लोप, सनकिंग, हाँ सर स्लोप स्लैब होता है, क्योंकि उनका काम था बंगलों का, तो सर सारा स्लोप स्लैब था, और करेक्ट, सर वो सनकिंग स्लैब होता है ना, तो उन्होंने बोला संकिंग, डिटेलिंग करके दिखाने के लिए। तो ओके। सनकिंग स्लैब का डिटेलिंग कैसे करते हैं सर? जंकिन स्लैब वही होता है जो बाथरूम के ऊपर होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है कि उसमें ये क्रैंक बार वगैरह की नीड नहीं होती है। मैं तुमको एक ड्राइंग्स भेज दूंगा, संकिन स्लैब का तो नहीं भेज पाऊंगा, बट इमेज भेज दूंगा मैं तुमको संकिन स्लैब का ग्रुप में, ठीक है। तो हो जाता है, कोई बहुत बहुत टफ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, उसमें क्रैंक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तुमको एक बार भेज दूंगा, देख लेना। और क्या ज्वाइनिंग है क्या वहां पे? सर अभी तक तो कॉल तो नहीं आया, फिर आज उन्होंने कॉल, वो मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं रेडी हो करने के, तो उन्होंने रिज्यूमे मांगा तो मैंने दे दिया, फिर उन्हें कॉल नहीं आया अभी तक। ओके, रिज्यूमे से खफा हो गई क्या? क्या नहीं सर, चलो कोई ना, आएगा, जो अपने लक में होगा वो तो मिलेगा, जो अपने लक में नहीं होगा क्या सोचना उसके बारे में, ठीक है, आने दो, आएगा तो देखेंगे फिर, है ना। मैं फिर भी हाँ सर संकेत अभी स्लैब को वो, नेट से निकाल के, इमेज निकाल के प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। मैं तुमको और सर इमेज वही, से बोलो बोलो, और सर ये स्लोप स्लैब का सर वैसे ही होता है डिजाइन, तो कैसे होता है सर? स्लोप, वैसे तो वैसे स्लोप ही स्लैब होता का है। कैसे होता है वो डिटेल करेंगे डायरेक्ट, स्लोप स्लैब का सिर्फ और सिर्फ एफईएम मेथड्स का एनालिसिस कर लेंगे, इसे परसेंटेज ऑफ स्टील पता चल जाए, डिटेलिंग सेम होता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्टैट में अपना ऐसे ग्रिड देखते हो ना, ऐसे मिसिंग करते हैं, ठीक है। तो मिसिंग करके वो क्या कर देंगे, मिसिंग करके वो जनरली ऐसे प्रोजेक्ट, वो मुझे लगता है कहीं पहाड़ी एरिया का प्रोजेक्ट करते होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे बंगलों में भी स्लोप ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि हिमाचल वगैरह का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या फिर ऐसे जगहों का, तो हो सकता है ऐसा प्रोजेक्ट हो या फिर फॉरेन का होगा, फॉरेन में बहुत से आपको स्लोप मिलेंगे। जहां स्लोप कहाँ पर डालते हैं ज्यादातर, जहां पर स्नो एरिया ज्यादा होता है, जहां रेनफॉल ज्यादा होता है, समझ गए। तो उसका डिजाइनिंग डिटेलिंग सेम होता है, उसका कोई टेंशन मत ठीक लो, ठीक है। बल्कि मैं एक दो कोशिश करूंगा, कवर कर दूंगा, तुम लोग को दिखा दूंगा, है सर। ठीक है, चलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, अभी देखो मेरे को दो चीज दिमाग में आ और गया सर है। वही एक दोस्त है सर घर, सर हाँ बोलो ना, बोलो आशीष। वही एक दोस्त का सर वो घर बन रहा था, तो मैंने मैंने बोला कि दे दूं, मैं डिजाइन वगैरह करके दे दूंगा हाँ सर, वही उस पर काम कर रहा हूँ, हाँ तो सर अभी पूरा नहीं हुआ सर, आपको कल भेजता हूँ मैं। भेजो भेजो, और कोई दिक्कत आए तो पूछो भी, ठीक है, डिटेल। अभी तुम लोग को एस्टिमेशन वगैरह का भी मैं सीट शेयर कर अरे दूं वो क्या? सर पूरा नहीं हुआ, मैं करके भेजता आज मैं तुम लोग को ना कुछ एक्सेल सीट शेयर करूंगा, बहुत ढेर सारी, ठीक है, जिसमें एस्टिमेशन भी रहेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो सब कुछ उसके अंदर हाँ सर रहेगा, कर दो। ठीक ठीक है। अरे वाह क्या बात है, चलेगा, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज पवन कुमार, बहुत बढ़िया, चलो इन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। फेल होना हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता प्रयास। हेलो हाँ पवन बोलो। सर, मेरा भी वो इंटरव्यू था तो उन्होंने बुलाया सर, फिर इंट्रोडक्शन लिया इंग्लिश में, मैंने अच्छे से सब रिप्लाई दिया, फिर हाँ उन्होंने बोला कि 1,000 का रजिस्ट्रेशन करा लो और कल हम आपके 3 इंटरव्यू करा देते हैं, नहीं, उसके बाद 1 मंथ के बाद सैलरी आएगी फलाने दिन का, फिर तो सर मैं आ गया। तो बोलना था अपने घर पे रखो जॉब ये फेक होता है कभी भी, जब कोई पैसा वो दूसरे, बताया नहीं ना उन्होंने सर, वो डिटेल ही नहीं डाली थी गूगल पे, मैं आपसे पूछ रहा था ना, वो इसलिए नहीं हाँ डाली होगी उन्होंने। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ तुमने पैसा नहीं दिया, ठीक है, पैसा दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाते हैं, है ना, चलेगा। निधि आपका क्या इंटरव्यू था, माइक ऑन करके एक्सपीरियंस शेयर कर लो अपना, कम से कम मुझे पता चले। हाँ जी बोलो निधि। हाँ सर, तो मेरा जो इंटरव्यू था आज, हाँ तो जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि आज जो है ना आपका सिर्फ HR राउंड हुआ, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे वापस बुलाया है टेक्निकल और फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो आज उन्होंने मेरे से पूरा सब कुछ पूछा, कैसे हैं, कहाँ आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। सर जब मैं बता रही थी ना, तो जैसे मैं यहाँ इंटरव्यू में बताती हूँ वैसे ही वहाँ पे भी बताया, तो उन वो जो है ना मेरे बातों से वो ऐसे बोलने लग गए कि ये ज्यादा कस्टमर क्लाइंट्स ओरिएंटेड है, मतलब आपको क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आर यू श्योर कि आपको स्ट्रक्चर में जाना है, आपको हाँ, टेक्निकल
चेंज नहीं करना। मैंने कहा नहीं, वो तो वैसे बोल रहे थे कि ये वाला एक्सपोजर तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने टाइप सा है, तो तुमने मतलब पर्पस के ऐसे किया है। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा लक है कि मेरे को ऐसा क्लाइंट इंटरेक्शन का भी मौका नहीं, मिल बोल दो ये हमारा एम है। ठीक गया। तो ये बोल रहे थे, और फिर उन्होंने बोला कि 2 साल या उससे कम जो होते हैं ना, उसको हम लोग ट्रेनिंग में रखते हैं, तो इसीलिए फिर आप। मैंने कहा ट्रेनिंग मतलब ऑलरेडी आई नो, मतलब इतना ट्रेनिंग व्रेनिंग मेरे को नहीं रहना है। और फिर मैंने ये, और उन्होंने पूछा आप अभी कुछ नया और सीख रहे हो, तो मैंने ये गुरुकुल इन सब के बारे में बताया कि अब भले ही मेरे CV में विला और ये सब G+3 मतलब मैक्सिमम है, बट मेरे को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स डिजाइन करने का भी एक्सपीरियंस है। सो फिर वो सोच में पड़ गए। उन्होंने लिखा वहां पे सब कुछ, उन्होंने फोटो ली मेरी, और मतलब वो सब अपना शेयर कर रहे थे ग्रुप में। वो क्या है, बाकी वापस बुलाया है, और सैलरी का भी आज ही पूछ लिया। तो सैलरी में बोल रहे थे कि अभी आपका जितना है, आई डाउट कि हम उतना मैच कर पाएंगे। तो तब कोई मैंने मतलब कहा, फिर उसके उन्होंने पूछा एक्सपेक्टेशन, मैंने वो भी बताया। तो फिर उन्होंने लिखा और उसके बोला वो तो ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट राउंड में, अभी पहले आप टेक्निकल एक बार दे दो। तो ओके ऐसा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन अगर वो तुम्हारा जो उस पे है 3.5 है, अगर वो मैनेज कर देंगे हाँ तो फिर अच्छा हो जाएगा ना, हाँ सर, थोड़ा सा तुम्हारा बैकअप अच्छा बन जाएगा। तो वैसे चलो पॉजिटिव ही तो था ना, मतलब कुल मिलाकर पॉजिटिव ही था। पॉजिटिव था। और आज फिर एक और कंपनी से कॉल आया, फिश्चर बैंगलोर करके है, उससे आया डिजाइन इंजीनियर पोस्ट के लिए। ओके तो उन्होंने भी बोला है कि ये अभी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा मेल किया है, और बोला आप रिवर्ट करो। मैं पूछना भूल गई कि उनको मेरा रिज्यूमे कहाँ से मिला, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था यहाँ पे, हाँ, फिर तो अभी मेरे एक पास। काम किया करो, क्या होता है कि तुम डेली अगर छुट्टी लोगी ना तो कंपनी पे बैड इम्पैक्ट जाएगा, तो वहाँ पे करंट पे चल रहा है ना, तो हाँ बेटर ये होता है कि उनको एक बार कन्विंस किया करो कि सर इज इट पॉसिबल वी कैन डू द ऑनलाइन, ऐसा करके उन्हें कन्विंस किया करो, या फिर इज इट पॉसिबल वी कैन डू द टेलीफोनिक फर्स्ट एंड इफ आई क्रैक देन इफ आई कम दैट विल बी ओके, ऐसा कन्विंस करने की कोशिश किया करो। क्या होता है कभी कभी, क्या जैसे अभी पवन गया, अब इसको एक कंसल्टेंसी वाले ने बुला लिया, पूरा एक दिन की छुट्टी गई ना, ठीक है ये बहुत करते हैं कंसल्टेंसी वाले ऐसा, तो क्या होगा कि उनके क्वेश्चन के लेवल से पता चल जाएगा कि यहाँ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको कोशिश क्या करो, दूसरी चीज क्या करो, क्योंकि अभी तुम 3.5 मांग रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हें एटलीस्ट कंपनी के 4.5 वेबसाइट, हाँ कंपनी 4.5, तो कंपनी के जो भी क्या बोलते हैं वेबसाइट है उसे गो थ्रू हो लिया करो कि इस कंपनी का लेवल वहां तक है कि नहीं है, ठीक है। कैसे होता है कि तुम पूरा दिन गया, छुट्टी लिया होगा, आज मेरी छुट्टी रहती है ना रियल एस्टेट में, मेरी ट्यूसडे ही छुट्टी रहती है। अच्छा ट्यूजडे छुट्टी रहती है, तब सही है, तब हर ट्यूजडे देते जाओ। तब कोई दिक्कत नहीं, तब घूम के आया करो, इसी बहाने घूमने को हो जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए ये ट्यूसडे छुट्टी अच्छी है, क्योंकि आप बाकी हाँ सारे कंपनी वर्किंग रहती है। हाँ हम लोग भी सैटरडे संडे होता था, हम लोग सैटरडे को बोलते थे, मतलब सैटरडे को हम लोग यही करते थे कि आज किधर की तरफ घूमना है, तो चलो ढेर सारी जॉब अप्लाई कर दो, तो उधर इंटरव्यू भी देंगे उधर ही घूम के चले आएंगे वापस, तो ये अच्छा है। चलो कम से कम तुम्हारी छुट्टी, मुझे लगा कि तुम्हारे कंपनी से हॉलीडे लेके गई तो ये ठीक नहीं था, तब तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव है, ठीक है देखते ग्रेट। हैं सर अभी कंपनी से मतलब कॉल और ये सब। तो मेरे को हाईरा कहता है ना सर, हाईरा का बहुत अच्छा है, वहां से मेरे को इतने रिस्पॉन्स आए। पहले तो पहले दिन मैंने रिस्पॉन्स किया ठीक है सबको, फिर हाँ अगले वहां से मतलब मैंने अगर 10 को किया तो वहां से 3 जितना रिप्लाई आया, दैट इज अ हाँ गुड रेशियो आई गेस। हाँ फिर उसके बाद अगले दिन मेरे को खुद ही सामने से रिक्रूटर्स के मैसेज आने लगे, रिक्रूटर्स के CEO के इन सब के करेक्ट मैसेज आने लगे कि आई सॉ योर प्रोफाइल विच इज वेरी अमेजिंग, कैन यू शेयर मी डिटेल्स एंड ऐसे करके देन मैं बात कर रही हूँ। तो वो भी एक अच्छा चल रहा है। 3 एक आया था मेरे को 5 पैकेज इतना, 5 जितना, बट वो साइट का था। तो फिर मैंने बोला नहीं, साइट तो नहीं चाहिए। तो मैंने बोला नहीं। ओके आप अपना रेज्यूमे मेरे को शेयर कर दो, मैं अगर कभी डिजाइन इंजीनियर का अगर ऐसा रहा तो मैं आपको रिफर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तुम्हारा, और होप्स हो ऐसे रहे तो बहुत, मतलब तुम्हारा क्या होगा ना कि अभी जैसे तुम्हारा लगभग 1.5 साल के आसपास होने वाला है ना, हाँ, तो 2 साल 2 साल 2 साल का हो गया, तो फिर तुम धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ेगा बढ़ेगा हाई रेट। अच्छा एक एक और है इंडिया जॉब्स करके, ठीक है इंडिया जॉब्स। हाँ उसको भी कर लो, उसका भी ऐप है, ठीक है, और हाई रेट में क्या है कि डायरेक्ट बात हो जाती है, ठीक है। हाँ सर, ये इसका बड़ा अच्छा, एक्चुअली ये ऐप निकाला ही इसीलिए किया गया था, वो लोगों ने गैप देखा कि गैप क्या है, क्योंकि नौकरी पे अप्लाई कर देते थे तो कब गया CV कब पहुंचा पता नहीं, यहाँ डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो चलो हाँ चलो अच्छा है कि तुम्हारा मतलब कि रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है होप सो अच्छा ही हो जाए, चलो बढ़िया।
ओके, तुम्हारा तबीयत सही नहीं है, अजवाइन और पानी पियो अगर जुकाम हुआ है तो। सर अब सपोज हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ओके, उसके ऊपर ओवरहैंग क्या करो ना, अजवाइन ले लो, अजवाइन तो होगा ही, या फिर नहीं है तो ले लो मार्केट से 10-5 रुपए का, और गर्म पानी करो हल्का सा। तो अजवाइन खा के गर्म पानी पी लो ना, तो अजवाइन बहुत हीट होता है उसमें, तो पूरे बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको सही कर देगा, तुरंत जुकाम मतलब कोल्ड कैसा भी कोल्ड हो प्रॉपर सही हो जाता है। हाँ आशीष बोलो। तो रूप पर तो उसका लोड फिर कैसे भाई फिर लगाएंगे सर उसको कैलकुलेट करते हैं सौरदीप, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? चलो अच्छा है, देखो 3-4 चीज़ ने क्वेश्चन पूछा। हाँ आशीष बोलो। अभी सर मेरा भी सर 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि सर डॉक्टर के पास जाना था, तो सर ब्लड रिपोर्ट देखे हैं सर और MRI कराने के लिए बोला, तो सर उसमें भी चला जाए। ये देखो मैं तो आज अल्ट्रासाउंड करा के आया हूँ देखो मैं खुद भी अल्ट्रासाउंड करा के आया हूँ, और क्या बोलते हैं अभी एक मौसम इतना गंदा चल रहा है ना, कि कल तो मेरी हालत ही नहीं थी क्लास लेने लायक, तो आज मैं अल्ट्रासाउंड करा, बट दैट वाज नॉर्मल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और वो रीजन है सिटिंग। तो तुम्हारा तो क्या, मुझे लगता है फास्ट फूड वगैरह होगा क्योंकि कॉलेज वगैरह नहीं में। सर वो हाँ सर नेक में प्रॉब्लम हो गया सर, जो नेक है वहाँ पे वो हाँ बहुत पेन करता है, तो क्यों, इसलिए उन्होंने MRI करना है, इसलिए बोला एक बार। MRI करना है तो क्या नेक में कैसे प्रॉब्लम हो गया? पता नहीं सर वो, अरे वही हुआ था सर 1-2 महीना पहले ना सर, वो अचानक सर बेहोश होके मैं गिर गया था, तो अरे सर दवाई ववाई खाया तो सर ठीक तो हुआ नहीं, फिर मैं यहाँ पे निमैंस सर हाँ, इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, फिर मैंने वहां जाके एक बार चेक कराया। MRI करो तब पता चलेगा रीजन क्या है, ठीक है? देखो हम लोग की ना लाइफ स्टाइल ना बहुत ज्यादा गंदी होती चली जा रही है, चाहे बैंगलोर हो चाहे पुणे हो, फ्रेश एयर नाम के सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोल्यूशन अंदर ले रहे हैं, और खाने के नाम पे केवल और केवल खाद ले रहे हैं, तो ये तो बहुत वो है, ठीक है? जाना चाहिए सबको। हाँ मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अब हमारा मतलब क्या बोलूँ, मेरे को तो रात को 12 बज जाता है, मॉर्निंग में 7 बजे क्लास, तो मतलब बहुत हैक्टिक शेड्यूल है। चलो कोई ना, ठीक हो जाओगे आशीष, MRI करा लो, ठीक है? और थोड़ा हाँ थोड़ा सर, फोकस। हाँ बोलो बोलो। तो सर आज एक जगह और क्या था हाँ सर, वही हायर एक्सेप्ट से सर रिप्लाई आ जाता है सर, वहां से इजीली रिप्लाई आता है हाँ सर, लेकिन पहले नहीं बताते सर। मैं वहां गया तो बोले कि हम फ्रेशर को 12-12,000 देंगे, मैंने अपने बोला कि मेरा पोर्टफोलियो देखे मुझे आता है सब कुछ, डिजाइनिंग विजाइनिंग सब कुछ आता है, बोलते नहीं आपको 6 महीना ट्रेनिंग देंगे, 12,12,000 रखेंगे, और सर 2 साल का एग्रीमेंट मांग रहे थे, तो सर अच्छा मैंने तो कुछ तो बोला नहीं, बोला ठीक है नहीं करना मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसे क्या हुआ, वी गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है? लेकिन सर हम वो उसमें था सर वो हाँ? बीम फील्ड था, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग था, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था वो। नहीं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी बुरा नहीं है देखो आशीष, क्योंकि मुझे पता है ना दोनों का रिस्पांस क्या होता है। क्या बोलते हैं, अगर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में भी तुम्हारी जॉब लग रही है, ठीक है? अभी मैं सिखाने वाला हूँ, जब मैं तुमको ये सिखाऊंगा क्या बोलते हैं रेविट, इसके बाद रेविट ही सिखाऊंगा, ठीक है? अभी मेरे भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो गया काफी, तो बीम सिखाऊंगा तो तुम खुद देखोगे कि बहुत कुछ तुमने क्या बोलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि बीम के अंदर काफी ग्रोथ होती है, ऐसा बुरा नहीं है कुछ, लेकिन हाँ बीम का नॉलेज होना चाहिए तब उसमें जाना तो बेटर होता है, तो सर ठीक वही है? बोले 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, रेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिए उनको एज ओके, एग्रीमेंट, तुम्हारा हो जाएगा। देखो क्या वही होता डेट में है, बताऊंगा मैं। तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि मुझे पता है ना तुम पॉजिटिव हो, तुम इन द सेंस कि अभी हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर सभी पॉजिटिव लोग हैं, तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना उनका काम हमेशा अच्छा होता है, ठीक है? जो पॉजिटिव नहीं थे ऑलरेडी निकल लिए धीरे से इधर उधर, जो पॉजिटिव है वो रुके।